वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बैकग्राउंड में से एक साउंड आ रहा होगा, एक कंस्ट्रक्शन का साउंड है और एक दूसरा फटाकों का आवाज़ है। तो दोनों आवाज़ थोड़ा सा आजू बाजू से आ रहा है, घरों से आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एंड अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन किसको देना थोड़ा बता देता हूँ। सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन आप दे सकते हो कि डेडपूल को सबसे पहले, क्योंकि डेडपूल को देने में एक फ़ायदा है वो ये कि यहाँ पर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, कैप्टन को मैंने दे रखा है। तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर गार्ड बैक इम्यूनिटी है प्लस क्रिटिकल डैमेज है और यहाँ पर सुपर आर्मर बैरियर चांस टू पेट्रियट वो दिया हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पर एक ये देने में फ़ायदा है। प्लस अगर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर आप किसी कैरेक्टर को देते हो तो वहाँ पर आपको डैमेज प्रॉक भी मिल जाता है, जो कि उस स्टेजेस में आपको उस स्टेजेस को जल्दी क्लियर करने में मदद करेगा। प्लस कैरेक्टर की जो स्किल्स है उसको कैंसिल होने से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर गार्ड भी कम्युनिटी है। तो ये दो तीन रीज़न को अगर ध्यान से रखा जाए तो ये जो सीटीपी है ये बाकी कैरेक्टर को दिया जा सकता है। एंड इस सीटीपी का इस्तेमाल आप पीवीई में और पीवीपी में दोनों तरफ कर सकते हो एंड ये सीटीपी बेस्ट है और गुड है। और सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स है सीटीपी इसी सीटीपी के पीछे भागते हैं एंड सेकेंड नंबर का सीटीपी जो है सीटीपी रेज है, उसके बाद में बाकी सीटीपी है। तो यहाँ पर सिटी ऑफ जो डिस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा डेडपूल को, क्योंकि डेडपूल को यहाँ पर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा समझ लो, क्यों उसके पीछे एक रीज़न है। देखो अभी कॉर्वस लाइफ के स्टेज में अगर आप डेडपूल को यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि अगर कॉर्वस लाइफ के जो अटैक है वायलेट कलर के या स्पीयर से या जो भी उसके अटैक है, अगर उसको गलती से डेडपूल को टच हो गया तो डेडपूल का वहीं पर गार्ड बैक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ अगर डेडपूल को उस स्टेज में ले जाया जाए तो थोड़ा सा डैमेज कम होगा लगेगा आपको, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो ये कि डेडपूल का स्किल्स कैंसिल होना लगभग नामुमकिन हो जाएंगे और जो आपको स्किल्स जल्दी से जल्दी यूज़ करना है वो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन सिटी ऑफ एनर्जी के साथ कॉर्वस क्लाइव के स्टेज में और भी ज़्यादा जल्दी ईजी हो जाता है, क्योंकि चेन हीट है और डैमेज प्रॉक है तो वो भी जल्दी ईजी आसानी से सेट करने में आसान होता है। तो डेडपूल के साथ आप दोनों सिटी भी चाहो तो जो आपके पास में है वो आप दे सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है क्विक सिल्वर। अब यहाँ पर लेटेस्ट जो कैरेक्टर है टीएटी के साथ आया हुआ है क्विक सिल्वर है, तो नए यूनिफॉर्म के साथ भी है। तो इसके साथ में अगर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में देने की बात कर रहा था तो यहाँ पर मैं इसको टीएटी करूँगा पहले, उसके बाद में सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन दूंगा। तो अगर मेरे पास में सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक आ जाता है तो मैं पक्का दूंगा। तो यहाँ पर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर क्विक सिल्वर अच्छे से अच्छे स्टेज में मार खिलाएगा अपोनेंट को, चाहे वो टर्मिनल बैटल हो, चाहे वो अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड हो, चाहे वो अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड हो या जीबीआर हो या फिर बॉल बॉस की अल्टीमेट के स्टेजेस हो, कॉर्वस ग्लाइड के स्टेज में काफ़ी अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। और क्विक सिल्वर के जो स्किल्स है अगर मैं सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ अगर यूज़ करता हूँ तो क्विक सिल्वर के जो स्किल्स है वो उसको कैंसिल करना लगभग नामुमकिन रहेगा, उस वजह से मैं स्किल्स अच्छे तरीके से उस स्टेज में यूज़ कर पाऊँगा। अब कॉर्वस ग्लाइड के जो स्टेज के जो अटैक है जो उसके पावर्स है, अगर वो क्विक सिल्वर को टच भी कर गए तो क्विक सिल्वर का कम से कम गार्ड बैक इम्यूनिटी नहीं होगा, मतलब गार्ड बैक नहीं होगा जिस वजह से स्किल्स कैंसिल नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। और फ्यूचर में मैं ज़रूर दूंगा जब इसका टीयर 3 में कर लूँगा तब। और सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन देना सही रहेगा। और देखा जाए तो अगर सिटी ऑफ एनर्जी आप अगर क्विक सिल्वर को देते हो तो वो भी सही है और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। अगर आपके पास में दो में से कोई एक बचा है या ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप दोनों सीटीपी का इस्तेमाल करके देख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। दोनों सीटीपी बेस्ट है क्विक सिल्वर के लिए। अभी टीयर 3 भी आ चुका है तो और भी सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट कैरेक्टर जेंग्रे। अभी जेंग्रे के साथ है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा देना यानी दोनों तरफ हाथ में रहने जैसा है, वो ये कि सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जेंग्रे पीवीपी में और पीवीवी में दोनों में काम आएगी, प्लस आपको जीबीआर में वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के कुछ स्टेजेस में अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड में आपको जेंग्रे को काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर आप सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन देते हो तो। अगर आप सिटी ऑफ रिजनरेशन देते हो तो आप सिर्फ आपको टर्मिनल बैटल में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बाकी स्टेजेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा चीज़ ध्यान में रखना और अपने अपने अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा ध्यान देख के सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन प्लेयर्स को देना यानी कैरेक्टर्स को देना। ओके, अगर आपके पास में कम क्वांटिटी में तो थोड़ा सोच समझ के देना, जिस कैरेक्टर को ज़रूरत हो उसी कैरेक्टर को वो सीटीपी आप देना, और आपके पास में फ्यूचर में जमा हो जाता है तो आप बाकी कैरेक्टर को भी दे सकते हो जो इस लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट कैरेक्टर है चौथा कैरेक्टर है एंटमैन। एंटमैन के साथ में सिटी पॉप डिस्ट्रिक्ट के साथ में टाइम मेटल में जेंगर को हराना थोड़ा पॉसिबल है, ऐसे एक मैं नहीं ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उनके हिसाब से सही है और मैंने एक दो वीडियो में दिखा भी है। तो सिटी पॉप डिस्ट्रक्शन के साथ जेंगर को हराया जा सकता है, प्लस पीवीपी में और पीवीई में दोनों में बेस्ट है डिस्ट्रक्शन। तो अगर आपके पास में सिटी पॉप डिस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा है और आपने बाकी कैरेक्टर को जो मैंने पहले बताया उसको आपने दे दिया है, आपके पास में एक और एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको संभाल के भी रख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एंटमैन को देना चाहिए तो आप एंटमैन को भी दे सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपके सिचुएशन में आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए मेरा काम आएगा, तो आप दे सकते हो, वरना आप संभाल के भी रख सकते हो। सही कैरेक्टर आएगा तो फ्यूचर में उसको आप दे सकते हो। नेक्स्ट कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल को यहाँ पर सिटी पे अगर आप डिस्ट्रक्शन देते हो तो ये पीवीपी में बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाती है, ऐसा मैं नहीं ऐसा कुछ लोग प्लेयर बोल रहे हैं। तो मैं भी देने की सोच रहा हूँ, लेकिन डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम है क्वांटिटी मेरे पास, तो अगर ज़्यादा फ्यूचर में आ जाता है तो मैं दूंगा। और इसके जगह पे अगर आप सिटी पे आप रेज देते हो तो वो भी सही है, अगर वो आपके पास में है तो वो दो, अगर वो नहीं है तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास में डिस्ट्रक्शन है तो आप डिस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है, इसी थोड़ा ध्यान में रखना। एंड वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के सीरीज में और पीवीई में पीवीपी में सभी तरफ डिस्ट्रक्शन काम आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा, थोड़ा ध्यान में रखना कि कैसे कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के साथ में सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कमाल डासू, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अभी ठीक है। वर्ल्ड वॉस अल्टीमेट के स्टेजेस में प्रॉक्सिमा मिडनाइट के अगेंस्ट में अगर मैं इस सिटी के साथ में कैप्टन अमेरिका को यूज़ करूँ तो जो प्रॉक्सिमा मिडनाइट के जो स्पीयर्स है, जो उसके अटैक्स है, जो उसके एरोज है स्टेज में आपने नोटिस किया होगा, तो वो अगर कैप्टन अमेरिका को लगते हैं तो कैप्टन अमेरिका का गार्ड बैक होना शुरू हो जाता है। तो उस रीज़न की वजह से अगर मैं डिस्ट्रक्शन के साथ में सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ में कैप्टन अमेरिका को उस स्टेज में यूज़ करूँगा तो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के जो स्किल्स है वो कैंसिल नहीं होंगे, उस वजह से कैप्टन अमेरिका काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेगा और जल्दी से जल्दी स्टेज क्लियर करेगा। साथ में इस सिटी पे में डैमेज प्रॉक होने की वजह से स्टेज का जो चैलेंजेस है, जैसे 100 सेकंड्स के अंदर क्लियर करना, 150 सेकंड्स के अंदर क्लियर करना, वो आसानी से मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अगर आप देना चाहते हो तो आप कैप्टन अमेरिका को भी दे सकते हो, गार्डबैक हो जाएगा तो प्लस पीवीपी में भी आपको ये काम आएगा जब आपको यूज़ करना पड़ेगा उस कंडीशन में। सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट हो जाती है, अगर आपको यूज़ करना ही पड़ा, बाकी आपके पास में कैरेक्टर बैन हो चुके हैं, तो आप ऐसे कंडीशन में भी कैप्टन अमेरिका का यूज़ कर सकते हो साथ में डिस्ट्रक्शन के साथ। ओके नेक्स्ट नेगा कैरेक्टर, मैं थॉर को कैंसिल करता हूँ। थॉर को मैंने रखा था इस लिस्ट में, थॉर को सिटी पे आप डिस्ट्रक्शन मत दो, इसके जगह पे आप इसको ऑब्लिस दे दो। ऑब्लिस के साथ में ये काफ़ी अच्छा तरीके से काम करता है, प्लस लाइटनिंग डैमेज, प्लस गार्डबैक इम्यूनिटी, प्लस डैमेज प्रॉक, जो भी आपके पास में डैमेज प्रॉक होगा अच्छा वाला वो आप गार्डबैक इम्यूनिटी के साथ में अगर आपने ला रखा है या आपके लक के हिसाब से आ चुका है ऑब्लिस में, तो वो ऑब्लिस आप थॉर को दे सकते हो। एंड थॉर इतना पावरफुल नहीं है, उसका टीयर 3 की जो अच्छा खासा डैमेज दिखा है तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप इसको नॉर्मल ऑब्लिस्क दे सकते हो। अगर आपके पास में सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा की क्वांटिटी में पड़ा है या आपने कलेक्ट कर रखा है, ऐसे कंडीशन में आप थॉर को सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको देखना है कि कौन कैसे कहाँ कैसे यूज़ करता है, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन थोड़ी समझनी पड़ेगी कि आपको वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, गला सूख गया। स्कारलेट विच का फ्यूचर में जल्द ही टीयर 3 आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन स्कारलेट विच को दे सकते हैं, प्लस गार्डवे कम्युनिटी उसके अंदर है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर, तो और सुपर आर्मर में बैरियर 20% का, 25% का पेट्रियट है, तो और डैमेज प्रॉक भी है, तो वो सब अगर हम लोग थोड़ा देखें तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ स्कारलेट विच काफ़ी अच्छी फिट बैठती है और पीवीपी में और पीवीपी में दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। स्कारलेट विच का सर्वाइबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन अगर टीयर 3 आ जाए तो शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसको थोड़ा अगर फ्यूचर के बारे में सोचे तो डिस्ट्रक्शन स्कारलेट विच को दे सकते हैं और पीवीपी में और पीवीई में दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सही लगे आप दे सकते हो, वरना आप नॉर्मल, अगर आपके पास में सिटी पे आप डिस्ट्रक्शन नहीं है, अगर आपके पास में बाकी कैरेक्टर को आपने दे दिया है, अगर आपके पास में अभी नहीं है ऐसे कंडीशन में, तो आप ऐसे कंडीशन में नॉर्मल ऑब्लिस से काम चला सकते हो। माइंड डैमेज, गार्डबैक इम्यूनिटी प्लस डैमेज प्रॉक अगर आपके पास में आ जाता है, या फिर डैमेज प्रॉक प्लस गार्डबैक इम्यूनिटी अगर आपके पास में आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे ऑब्लिस्क आप दे सकते हो, अपना काम चला सकते हो जब तक आप तक वो नया सिटी पी आ नहीं जाता,
यार वो जो CTP है कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक आप नॉर्मल ऑब्लिस से काम चला सकते हो डैमेज पकोला। ओके नेक्स्ट, CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन स्पाइडरमैन 2099 को दे सकते हैं कुछ ऐसे कंडीशन में। ये थोड़ी कंडीशन मुझे किसी प्लेयर ने बताई है, तो डिस्ट्रक्शन के साथ उसमें डैमेज प्रॉक है, सुपर आर्मर पेट्रियर वगैरह है, तो वो चीज़ PvP में और PvE में दोनों तरफ काम आएगी। और अलायंस कॉन्क्वेस्ट में स्पाइडरमैन 2099 काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, ऐसा काफ़ी सारे प्लेयर्स बोलते हैं। तो उसको अगर मैं थोड़ा ध्यान में रखूँ तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा है ज़्यादा के भरमार क्वांटिटी में और आपके पास में ज़्यादा का भंडार लगा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन स्पाइडरमैन 2099 को दे सकते हो। अगर आपको वो यूज़ करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए, तो आप ऐसे कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा CTP कौन सा किसे देना है। एंड लास्ट वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको बाकी के CTP के इमेजेस दिख जाएंगे और लिंक दिख जाएंगे, और ऊपर में वीडियो में कार्ड भी शो हो रहा होगा, उस कार्ड में भी आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अपने जो आपको CTP को किसको देना है, कौन सा CTP किसे देना है, अगर आपको जानना है, आपको उत्सुकता लगती है, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको कार्ड में से लिंक मिलेगा। उस कार्ड पर लिंक क्लिक करते ही आप उस वीडियो को तक पहुँच जाओगे। और मेरा थोड़ा गला सूख गया है, तो आपको मेरा वर्ड्स थोड़े फिसल रहे होंगे मुँह से और सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, तो पानी पीकर आता हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। और सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन किस किस को देना है आपको समझ में आ गया होगा। डेडपूल, क्विक सिल्वर, जेंगरे, एंटमैन, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच, स्पाइडरमैन 2099। जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के करना। अगर ज़्यादा के क्वांटिटी में CTP है तो ही ऐसी कंडीशन में देना। और जो सबसे पहले मैंने जो कैरेक्टर बताया, डेडपूल, क्विक सिल्वर, जेंगरे, एंटमैन, ये जो मैंने कैरेक्टर बताया, इनको आप सबसे पहले डिस्ट्रक्शन दे सकते हो। बाद में फिर बचे कुचे जो कैरेक्टर है, अगर आपके पास में फ्यूचर में धीरे धीरे करके आ जाते हैं, तो बाकी कैरेक्टर को देना। ओके,